वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा इंग्लिश रैम्स है, तो हम लोग इंग्लिश रैम्स में हमारा रैम्स पुसी कैट जो था वो हम लोग पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास हमने क्या किया था, फोर लाइन्स का जो अपर फोर लाइन्स है, लाइन से देखिए, पुसी कैट पुसी कैट वी आर हैप्पी बेबी, आई हैव बीन टू लंडन टू सी द क्वीन। यहाँ तक हमने क्या किया था, कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग बाकी जो नेक्स्ट लाइन है, लास्ट का जो फोर लाइन है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कि लास्ट के फोर लाइन्स में क्या है। देखिए आप फर्स्टली अपने बुक नंबर बुक पेज नंबर 3। ओके, देन यहाँ देखिए पुसी कैट यहाँ पे आपका पेज नंबर 3 में है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक बार पूरा रैम्स पढ़ते हैं। आप देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पुसी कैट पुसी कैट वी आर हैप्पी बेबी, आई हैव बीन टू लंदन टू सी द क्वीन, पुसी कैट पुसी कैट व्हाट डिड यू डू देयर, आई हिड इन द लिटिल माउस अंडर द क्वीन्स चेयर। ये आपको एक बार और हम लोग पढ़ के देखते हैं, पुसी कैट वेयर हैव यू बीन, आई हैव बीन टू लंदन टू सी द क्वीन, पुसी कैट व्हाट डिड यू डू देयर, आई हिड इन द लिटिल माउस अंडर द क्वीन्स चेयर। ये हम लोग दो बार पढ़ लिए। अब हम लोग पहले जो फोर लाइन्स हमारा बचा हुआ था उस फोर लाइन्स का हम क्या करते हैं, पहले हम लोग हैंड मूवमेंट देखते हैं, फिर हम लोग पूरे राइम्स का स्टार्टिंग से जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था वो और जो हमने अभी सीखा है वो हम लोग एक बार करेंगे। ओके, पहले हम लोग लास्ट फोर लाइन्स जो है हमारा वो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए तो हमने यहाँ से हम स्टार्ट करना है, पुसी कैट पुसी कैट व्हाट डिड यू डू देयर, आई फिट इन द लिटिल माउस अंडर द क्वीन्स चेयर। ओके, एक बार और देखिए, पुसी कैट पुसी कैट व्हाट डिड यू डू देयर, आई फिट इन द लिटिल माउस अंडर द क्वीन्स चेयर। ओके, अब हम लोग एक बार स्टार्टिंग से करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था और जो हमने अभी देखा। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। हम लोग ये दो टाइम्स करते हैं पूरे पुसी कैट जो रैंस है उसे। ओके, चलिए स्टार्टिंग से करते हैं, पुसी कैट वेयर हैव यू बीन, आई हैव बीन टू लंदन टू सी द क्वीन, पुसी कैट व्हाट डिड यू डू देयर, आई फ्रेटेंड द लिटिल माउस अंडर द क्वीन्स चेयर। एक बार और इसको देखिए, एक बार और हम लोग करते हैं ताकि हम लोग को अच्छे से इसका हैंड मूवमेंट आपको कैसे करना है ये याद हो जाए। आप लोग को 2-3 बार पढ़िएगा और हैंड मूवमेंट वीडियो देखिएगा हैंड मूवमेंट के साथ, तो आपको याद हो जाएगा ये राइम्स। एक बार और स्टडी करते हैं, पुसी कैट वेयर हैव यू बीन, आई हैव बीन टू लंदन टू सी द क्वीन, पुसी कैट व्हाट डिड यू डू देयर, I frightened the little mouse under the queen's chair। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, देख के अच्छे से याद कर लीजिए, हैंड मूवमेंट ध्यान से देखिए स्लोली स्लोली ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। स्टार्टिंग में क्या करना है हमें, पुसी कैट